हेलो स्टूडेंट्स, यू वाचिंग इजी मैक फॉर यू। और आज हम इस वीडियो लेक्चर में ऑटोमेशन पर लेक्चर करेंगे, पहला फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो बात करते हैं हम लोग कि ऑटोमेशन है क्या, इसके इंट्रोडक्शन पर बात करेंगे। तो ऑटोमेशन इज द टेक्नोलॉजी बाय विच ए प्रोसेस ऑफ प्रोसीड्यूर परफॉर्म विथ मिनिमम ह्यूमन एफर्ट। मिनिमम ह्यूमन एफर्ट पर और किसी भी काम को अगर ऑटोमेटिक ढंग से किया जाए, ठीक है, उसी को ऑटोमेशन कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो लोग कहते हैं ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कुछ इसी प्रकार का रिलेशन है लेबर और ऑटोमेशन मशीन के बीच। लेबर वर्क करेगा अगर तो प्रोडक्शन टाइम इंक्रीज करेगा ही, एक अगर मिस्टेक हो जाए तो प्रोडक्ट को सुधारने के लिए कोई भी कंपनी तो खराब प्रोडक्ट तो देगी नहीं, तो सुधारने के लिए उसको और उसको इन्हेंस करेगी, उसमें टाइम और कॉस्ट लगेगा। थर्ड, लेबर रहेगा तो हेवी मशीन चलता ही टाइम कभी भी इंजरी हो सकती है या कोई डेंजरस एक्सीडेंट भी हो जाएगा। ठीक, फोर्थ, लेबर वर्क करेगा तो एरर होगा ही, थोड़ा बहुत एरर आता ही है। ठीक है, कहते हैं ना गलती इंसानों से होती है, इसी को खत्म करने के लिए ऑटोमेशन आया। सारा डायलॉग अपनी जगह, ऑटोमेशन अपनी जगह। ठीक है, और इसको यूज करके ऑटोमेशन को, ऑटोमेशन में हम लोग कंप्यूटर रोबोट का यूज करके और से हैंडल के डिफरेंट प्रोसेस और मशीनरीज को चलाते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें कारण मतलब कि हमें सेफ्टी भी मिल जाता है, एरर भी कम हो जाता है, ये सब एडवांटेजेस उस पर देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो ऑटोमेशन थ्री टाइप्स है। पहला हार्ड ऑटोमेशन, सेकंड सॉफ्ट ऑटोमेशन, थर्ड वन इज फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ओके, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हार्ड ऑटोमेशन को हम लोग फिक्स्ड ऑटोमेशन ही बोलते हैं। फिक्स्ड ऑटोमेशन कहते हैं, और सॉफ्ट ऑटोमेशन को प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस पर हम बात करेंगे पूरा डीपली वे में, बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन के बारे में, पर अभी इस पार्ट में सिर्फ इतने ही जानते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरे डिफिनेशन के साथ तीनों का पॉइंट पढ़ेंगे। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या क्या एडवांटेजेस है, तो जैसा कि हम लोग बात किए थे कि लेबर रहेगा तो हाँ टाइम इंक्रीज होगा ही, क्योंकि थोड़ा बहुत मिस्टेक होता ही है और धीरे धीरे प्रोसेसिंग काम तो है ही लेबर का। ठीक है, और एरर हो गई तो इसी को देख के एडवांटेजेस क्या है ऑटोमेशन का, कि रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम। क्या कह सकते, पहला रिडक्शन इन पहला क्या होगा, रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम। ओके, प्रोडक्शन टाइम में रिडक्शन आएगा। ठीक, और दूसरा ठीक है, तो प्रोडक्शन टाइम में रिडक्शन आएगा। ठीक, ओके, तो कैसे रिडक्शन आएगा, कि क्योंकि मशीन जो है तो थोड़ा स्पीड वर्क में वर्क करता है, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ, तो उसे क्या होता है कि प्रोडक्शन टाइम भी कम हो जाता है। दूसरा क्या पॉइंट है हमारा, दूसरा है इंक्रीज इन एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा एक्यूरेसी। ठीक, क्योंकि मशीन है पूरा एक्यूरेट वर्क में वर्क करेगा। ठीक है, इसके कारण क्या होगा, हमें बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी मिलेगा, बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, कि लेस ह्यूमन एरर आएगा, क्योंकि ह्यूमन रहेगा नहीं और ना मिस्टेक होगा, तो लेस ह्यूमन एरर है, एरर घट गया तो रिपीट जो बनता है वो चीज तो घट जाएगा। फोर्थ, फोर्थ क्या है, इंक्रीज
इंक्रीज्ड सेफ्टी, सेफ्टी तो बढ़ जाएगा क्योंकि ह्यूमन रहेगा तो एक्सीडेंट होगा ही, ठीक है। इसी कारण अगर ह्यूमन नहीं रहा तो वहाँ सेफ्टी तो होगा ही। और लास्ट वन इज हायर वॉल्यूम प्रोडक्शन होगा, हायर वॉल्यूम प्रोडक्शन होगा ही। जब हायर वॉल्यूम प्रोडक्शन होगा तो जैसा पहले बात की थी रिडक्शन इन प्रोडक्शन टाइम, तो जल्दी जो वर्क होगा उसके कारण क्या प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब सारा रहा एडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, ओके। तो बात करते हैं डिसएडवांटेजेस। ऑफ ऑटोमेशन, ओके। तो पहला कि जब ज्यादा इंडस्ट्रीज में ऑटोमेटिक वर्क होगा तो जो ऑटोमेशन के लिए जो लोग उसमें जो इंजन भी यूज होगा, ठीक, मशीनरीज यूज होगा, तो क्या होगा पोल्यूशन भी क्रिएट करेगा। तो कह सकते हैं मोर पोल्यूशन, क्या होगा मोर पोल्यूशन। चलिए ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है कि जो इतना सारा अगर हम ऑटोमेटिक मशीन यूज करेंगे तो जब सेटअप कॉस्ट होगा बहुत हाई हो जाएगा। इसी कारण अगर हम उस सेट इंडस्ट्रीज में ऑटोमेशन लाना है तो हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, ओके। अब बात होती है कि थर्ड हमारा क्या होगा, तो थर्ड क्या होगा कि अगर लेबर को वर्क ना की दिया जाए और सारा काम ऑटोमेटिक मशीन के वे में कराया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट की इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। फोर्थ हमारा क्या डिसएडवांटेज हो सकता है, ठीक है, ये कि लेस वर्सटाइलिटी होगा। तो वर्सटाइलिटी क्या होगा कि अगर हम मशीन से अगर काम कराएंगे तो एक ही काम करेगा, एक काम को वे में करते जाएगा, ठीक है। और जो लेबर जो रहते हैं उससे बहुत सारा काम कराया जा सकता है, इंडस्ट्री से अगर हट के भी बहुत सारा काम लिया जा सकता है लेबर से, पर वो मशीन काम वो नहीं देगा, ठीक है। इसलिए बोल सकते हैं लेस वर्सटाइलिटी, ठीक है, वर्सटाइलिटी, ओके। तो ये रहा डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटोमेशन। तो नेक्स्ट पार्ट में लोग और भी ऑटोमेशन रिलेटेड जानेंगे और टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन का वीडियो देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमें कमेंट के थ्रू फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू।